नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के बाद मोदी सरकार पर विपक्ष चीन को लेकर चुप्पी साधने का आरोप लगा रहा है और चर्चा की मांग कर रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग की फोटो होने का दावा करते हुए तस्वीर ट्वीट की, जिसको लेकर वो विवादों में घिर गए। कांग्रेस ने इस तस्वीर को 3 साल पुराना बताया। कांग्रेस नेता और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्रीय मंत्री के फोटो पर लिखा है, फोटो तो 2019 की ना चिपकाते किरण रिजिजू। इस पर बाकी कांग्रेसी नेताओं ने भी केंद्रीय मंत्री को घेरा है। कांग्रेस नेता बीबी श्रीनिवास ने दोनों फोटो को एक साथ ट्वीट करते हुए लिखा है कि 2019 की तस्वीर का इस्तेमाल कर 2022 में सुरक्षा का भरोसा दिलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तस्वीर वही, वादा वही, बस साल बदल गया है। बता दें, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आज ये तस्वीर ट्वीट कर कहा कि तवांग पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में यांगसे क्षेत्र भारतीय सेना के बहादुर जवानों की पर्याप्त तैनाती के कारण पूरी तरह सुरक्षित है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है कि देश में चीन पर चर्चा कब होगी। उन्होंने द हिंदू समाचार पत्र में छपी खबर को ट्वीट करते हुए कहा, चीन ढोकलाम में जाम फेरी रिज तक निर्माण कर चुका है और ये भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए खतरा है। खड़गे ने कहा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत में पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार है। उन्होंने कहा कि चीन का जामखेरी रिज तक निर्माण करना हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में प्रधानमंत्री को ये बताना चाहिए कि हम चीन पर चर्चा कब करेंगे। द हिंदू की खबर में रक्षा सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि चीन ने भारत भूटान चीन ट्राई जंक्शन के किनारे तोरसा नाले के पास एक रोपवे बनाया है और वो पूर्वी क्षेत्र में सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है। द हिंदू ने कहा है कि तवांग सेक्टर के यांगसे इलाके में, जहां पर 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, रक्षा क्षेत्र से जुड़े अफसर बताते हैं कि चीन ने इस इलाके में अपना दावा जताने के लिए कुछ साल पहले से ही यहां गश्त बढ़ा दी थी। भारत और चीन के सैनिकों के बीच तवांग में झड़प को लेकर विपक्ष भारत की मोदी सरकार के स्टैंड को लेकर हमलावर है। वो संसद में इस पर चर्चा की मांग कर रहा है। इस बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिक्की के 95वें वार्षिक सम्मेलन में कहा कि हमने कभी भी विपक्ष के किसी नेता के इरादे पर सवाल नहीं खड़ा किया, हमने नीतियों को लेकर बहस की। उन्होंने कहा कि चाहे गलवान हो या तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। राजनाथ ने कहा कि हमने कभी भी विपक्ष के इंटेंशन पर सवाल नहीं उठाया, हम नीतियों को लेकर बहस करते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति सच बोलकर ही की जाती है, झूठ बोलकर राजनीति लंबे समय तक नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि हर समय राजनीति में किसी के इरादे पर संदेह करना क्यों जरूरी है, इसका कारण मुझे समझ में नहीं आता। राहुल गांधी के चीन को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने उन पर हमला बोला। रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर पूछा कि राहुल गांधी, कब तक आप झूठ बोल बोलकर सेना पर सवाल उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अब तो हमारी सेना की बहादुरी मीडिया में उपलब्ध साक्ष्यों से भी जग जाहिर हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप सेना पर सवाल उठा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपने उरी और बालाकोट के बाद भी सेना की बहादुरी का प्रमाण मांगा था, अब तो ये झूठ फैलाना और देश के मनोबल को तोड़ने का काम बंद करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत बहुत मजबूत है और अपनी सेनाओं की रक्षा करने में सक्षम है। बता दें, राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है और भारत की सरकार सोई हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं, वो सच्चाई छुपा रही है। राहुल ने कहा था कि चीन ने भारत के 2000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया हुआ है, वो भारत के 20 जवानों को शहीद कर चुका है और अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के जवानों को पीट रहा है। राहुल ने कहा, हमारी सरकार रणनीतिक तौर पर काम नहीं करती, इवेंट बेस्ड काम करती है। वो सोचते हैं कि यहाँ पर एक इवेंट करो, वहाँ पर एक इवेंट करो, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की बात होती है, जियो स्ट्रेटजी की बात होती है, वहाँ पर शक्ति काम करती है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने आलोचना की है और कहा है कि इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। बघेल ने कहा कि मैं बिलावल भुट्टो की टिप्पणी की निंदा करता हूं, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। किसी के भी पास हमारे प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन ये राष्ट्र का मामला है, मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका में एक हिंदू संगठन की गतिविधि को लेकर जबरदस्त विरोध हो रहा है। ग्लोबल हिंदू हेरिटेज फाउंडेशन ने अमेरिका में एक अभियान चलाकर भारत में चर्च को तबाह करने के लिए चंदा मांगा था। अमेरिका के ईसाई संगठनों ने उस हिंदू संगठन के खिलाफ जांच की मांग की है। हालांकि उस हिंदू संगठन की गतिविधियों का विरोध अमेरिका में रह रहे भारतीय लोगों ने भी किया है।
विरोध करने वालों ने कहा है कि हिंदू संगठन हमारे देश भारत को बदनाम करने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। टेक्सस में ईसाई और इंटरफेथ नेताओं ने अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों से मांग की है कि वो एक कथित स्थानीय एनजीओ ग्लोबल हिंदू हेरिटेज फाउंडेशन के खिलाफ हर तरह की जांच कराएं, जो अमेरिका में नफरत फैलाने और भारत में ईसाई और मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए अमेरिका में फंड जमा कर रहा है। उस हिंदू संगठन का खुद का कहना है कि वो भारत में चर्चों को ध्वस्त करने के लिए धन जुटा रहा है। फेडरेशन ऑफ इंडियन अमेरिकन क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन इन नॉर्थ अमेरिका ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि ग्लोबल हिंदू हेरिटेज फाउंडेशन चर्चों को तबाह करने और भारत में ईसाइयों और मुसलमानों को जबरन हिंदुत्व में धर्मांतरित करने के लिए धन जुटा रहा है। शाहरुख खान की फिल्म पठान के खिलाफ चंद संगठनों का अभियान खासतौर पर उत्तर भारत में जोर पकड़ गया है। मुजफ्फरपुर कोर्ट में इस फिल्म के गाने बेशरम रंग को लेकर कोर्ट में शिकायत दर्ज लगाई गई है। रुड़की में संत समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पठान फिल्म पर रोक लगाने की मांग की। दक्षिणपंथी संगठनों का गुस्सा सबसे ज्यादा सामने आया है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की कोर्ट में एक शिकायत याचिका दायर की गई है, जिसमें शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के खिलाफ उनकी आगामी फिल्म पठान के गाने में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए FIR दर्ज कराने की मांग की गई है। मुजफ्फरपुर के वकील सुधीर ओझा ने CJM कोर्ट में मामला दायर किया, जो 3 जनवरी को मामले की सुनवाई करेगा। ओझा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि फिल्म पठान का गीत बेशरम रंग आपत्तिजनक है और ये हिंदू समुदाय की भावनाओं को आहत करता है। पठान के खिलाफ सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार से हमला हुआ था। MP सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गाना रिलीज होने पर इसमें केसरिया रंग के कपड़े के इस्तेमाल पर ऐतराज किया। मध्य प्रदेश के संस्कृति बचाओ मंच ने इसे और हवा दे दी। मंच के प्रवक्ता चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि फिल्म को मध्य प्रदेश में नहीं चलने दिया जाएगा। महाराष्ट्र में BJP के विधायक राम कदम ने भी फिल्म का विरोध किया है। उनका कहना है यह फिल्म हिंदू भावनाओं का ख्याल नहीं करती है, इस फिल्म को रिलीज नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने विपक्षी एकता और उसमें कांग्रेस की भूमिका को लेकर सत्य हिंदी से बात करते हुए कहा, कमजोर कांग्रेस से विपक्ष मजबूत नहीं होगा और सिर्फ एंटी मोदी मंच बनने से काम नहीं चलेगा। एक रचनात्मक कार्यक्रम बनाना होगा, लोगों के सामने प्रोग्राम रखना होगा और बताना होगा कि हम सरकार में आने पर क्या काम करेंगे। ऐसे में सिर्फ मोदी विरोधी प्लेटफॉर्म बनाने भर से विपक्ष मजबूत नहीं होगा। जयराम रमेश ने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई ये सोचे कि विपक्षी एकता के नाम पर कांग्रेस को 200 सीट दे देंगे और पार्टी मान जाएगी, ये संभव नहीं है। उनका साफ कहना है कि मजबूत कांग्रेस देश के हित में है और कांग्रेस को कमजोर करके विपक्षी एकता मजबूत नहीं हो सकती। राजस्थान कांग्रेस में आपसी टकराव के बीच सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के साथ प्रतिस्पर्धा की बात को खारिज किया। BBC से बात करते हुए सचिन पायलट ने गहलोत के साथ प्रतिस्पर्धा को लेकर कहा, प्रतिस्पर्धा हम उम्र लोगों के साथ होती है। अशोक गहलोत बहुत वरिष्ठ नेता हैं, 40-50 साल से राजनीति कर रहे हैं। वो बहुत बुजुर्ग और अनुभवी हैं, उनसे प्रतिस्पर्धा का सवाल नहीं उठता। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि आपको लगता है कि बुजुर्गों को युवाओं को मौका देना चाहिए, इस पर पायलट ने कहा, मौके दिए गए हैं, हमको भी मौका दिया गया। मैं 26 साल में पार्लियामेंट में चला गया था। अशोक गहलोत जी को भी कम उम्र में मौका दिया गया था। ये कांग्रेस का इतिहास है। पार्टी के साथ बगावत करने को लेकर पायलट ने कहा, जो समय बीत जाता है उसके बजाय आगे देखना चाहिए। कुछ मतभेद थे जिनका समाधान कर लिया गया है। हमने अपनी बात रखी थी, जो लोकतांत्रिक पार्टी में गुनाह नहीं है। हमने महत्वपूर्ण मुद्दे बताए और उनका समाधान निकाला गया। बता दें, पायलट और गहलोत के बीच जारी टकराव को लेकर राहुल गांधी ने भी शुक्रवार को कहा था, ये चलता रहेगा, हम फांसीवादी विचारधारा वाले लोग नहीं हैं। पार्टी में मतभेद चलते रहते हैं, हम किसी की आवाज़ को दबाते नहीं हैं। सामूहिक बलात्कार के 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। बिल्किस बानो की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर 2 याचिकाओं में से एक को खारिज कर दिया गया है। खारिज की गई याचिका में बिल्किस बानो ने मई 2022 के उस फैसले की समीक्षा के लिए मांग की थी, जिसमें कहा गया था कि गुजरात सरकार के पास 11 दोषियों के क्षमा आवेदनों पर फैसला लेने का अधिकार है। बता दें, मई 2022 में जस्टिस अजय रस्तोगी और विक्रम नाथ की बेंच ने फैसला सुनाया था कि गुजरात सरकार के पास क्षमा अनुरोध पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र था, क्योंकि अपराध गुजरात में हुआ था। बेंच ने इसके साथ ही गुजरात सरकार को 1992 के छूट नीति के अनुसार 2 महीने के भीतर आवेदन पर फैसला करने का निर्देश दिया था। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने माना था कि दोषियों को छोड़ने पर विचार करने का अधिकार महाराष्ट्र राज्य के पास था, क्योंकि ट्रायल गुजरात से ट्रांसफर होकर मुंबई में किया गया। बिल्किस की ओर से यह कहते हुए फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी कि छोड़ने का फैसला करने वाली उपयुक्त सरकार उस राज्य की है जहां ट्रायल किया गया था, यानी कि महाराष्ट्र। इसके अलावा अन्य तर्क भी दिए गए। बिल्किस बानो की दूसरी याचिका में गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें दोषियों को छोड़ा गया है।
जिस पर सुनवाई पिछले हफ्ते स्थगित कर दी गई थी क्योंकि मामले से जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने खुद को अलग कर लिया था। ये याचिका पर अभी इस फैसले से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। दिसंबर 2012 में हुए निर्भया बलात्कार और हत्याकांड को 10 साल पूरे हो गए हैं। निर्भया हत्याकांड के बाद महिला सुरक्षा को लेकर तमाम नियम बनाए गए और उन्हें लागू करने पर जोर भी दिया गया, लेकिन आज भी देश के बाकी हिस्सों को छोड़िए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक में महिलाओं के खिलाफ अपराध में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़े बताते हैं कि साल 2021 में दिल्ली में हर दिन महिला अपराध से संबंधित 39 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक 18 से 30 साल की युवतियां व महिलाएं दिल्ली में सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं। साल 2020 में दिल्ली में बलात्कार के 1000 मामले दर्ज हुए थे और इस तरह साल 2021 में इनमें 25% की बढ़ोतरी हुई। महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस, NCP और शिवसेना के उद्धव गुट के कार्यकर्ता शनिवार को राज्य की एकनाथ शिंदे BJP सरकार के खिलाफ मुंबई में सड़क पर उतरे हैं। इसके जवाब में BJP ने भी मुंबई में प्रदर्शन किया है। महाविकास अघाड़ी की ओर से बायकुला चिड़ियाघर से आज़ाद मैदान तक मार्च निकाला गया है। मार्च में महाविकास अघाड़ी के सभी दलों के कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। इसे महाविकास अघाड़ी का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। मार्च में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजित पवार, महाराष्ट्र NCP अध्यक्ष जयंत पाटिल सहित तमाम बड़े नेता शामिल हुए हैं। मार्च में शामिल होने के लिए पुणे और आसपास के कई इलाकों से कार्यकर्ता मुंबई पहुंचे हैं। बता दें, महाविकास अघाड़ी ने ऐलान किया था कि वो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज पर दिए गए बयान, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद, बेरोजगारी, महाराष्ट्र से फैक्ट्रियों का गुजरात जाना, महंगाई आदि मुद्दों को लेकर 17 दिसंबर को मैदान में उतरेंगे। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है। छपरा के अलावा सिवान में भी जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हुई है। घटना को लेकर बिहार BJP ने राज्य की नीति तेजस्वी सरकार को घेर लिया है। 70 लोगों की मौत के अलावा 30 से अधिक लोगों का उपचार सरकारी अस्पताल व निजी क्लिनिकों में चल रहा है। इस मामले में मशरक और इसवापुर में FIR दर्ज की गई है और जांच के लिए बनाई गई SIT ने 7 बड़े तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह हैरानी की बात है कि बिहार में साल 2016 से शराबबंदी लागू है और उसके बाद भी लगातार जहरीली शराब बिक रही है और इसे पीने वालों की लगातार मौत भी हो रही है। हालांकि गुजरात में भी ऐसा ही हुआ था, वहां भी शराबबंदी लागू है। इस मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा था कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई गड़बड़ शराब पीकर मर जाता है तो उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब पीने से मौत होने पर सरकार कोई मदद नहीं करेगी। PM मोदी ने शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की थी और किसी भी तरह की हिंसा को नकारते हुए कूटनीति का रास्ता अपनाने पर जोर दिया। उनके इस बयान का अमेरिका ने स्वागत किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रमुख उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा, हम PM मोदी की शब्दों पर भरोसा करते हैं और उनके बयानों का स्वागत करते हैं। रूस से संबंधों को लेकर अन्य देश अपने फैसले खुद लेंगे। हम युद्ध के प्रभाव को कम करने के लिए सहयोगियों के साथ समन्वय जारी रखेंगे। बता दें, इससे पहले PM मोदी ने सितंबर में SCO सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति से कहा था, यह युद्ध का समय नहीं है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।